नमस्कार, हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है। यहाँ के लिए यह नाम नया है, लेकिन यूपी में हमारे नाम का डंका बजता है। वहां हमें रैली निकालने के लिए या सभा करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हमारे चेले ने शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया तो सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर हमारे घर भागते भागते आते हैं, नेताजी करते हुए। ये जलवा है हमारा। पिछले साल हमारे एक चेले से एक पुलिस वाले ने तू तड़क से बात कर दी। हमने खड़े खड़े 15 बस फुकवा दिए, ऊपर से दंगा करवाया सो अलग। पेपर से पर में पढ़ा होगा आपने। और सुनो, अभी की बात है, मेरे छोटे भाई ने एक लड़की को जरा सा यूं ही छेड़ दिया। माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी, जवान खून गरमा गया, पकड़ लिया तो उस लड़की ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर तमाचा मारा। जानते हो बाद में मैंने क्या किया? पहले तो उसे भरे बाजार में नंगा घुमा दिया, बाद में चला दिया। किसी ने चू तक नहीं किया, ये रुआब है हमारा। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि हम किसी जगह 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभा शुरू हो जाती है। अगर चल दिए तो जुलूस निकल जाता है, और अगर सो दिए तो हड़तालें हो जाती है। अब आप सोचेंगे, जब हमारा राजनीति वहां इतना अच्छा चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों आए? आप शक्ल से शरीफ और सीधे साधे लगते हो, इसलिए आप ही को बताते हैं। हम अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। दिल्ली का राजनीति है, जब तक हमारे पास 2-4 MP न हो तो सूटकेस कहाँ से मिलेगा, और जब तक वो सूटकेस माल से भरा हुआ न हो तो पॉलिटिक्स करने से फायदा ही क्या है, हा? इसलिए हम अपना और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ हड़ताल करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तभी तो यहाँ की जनता हमें नोटिस करेगी, समझे? एक बात हम क्लियर कर दे, हमारी मीटिंग में पब्लिक से ज्यादा हमारे चेले चपाटे रहते हैं, और हमारा उनको निर्देश रहता है कि जरा भी पब्लिक इधर उधर हो तुरंत हंगामा शुरू कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सिपाही भेज दीजिएगा, हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आपकी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, सब फुल पेंट वाला सिपाही भेजिएगा, महिला पुलिस को मत भेज दीजिएगा, कहीं उनका चिकना गालवाल देखकर समझ गए ना। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? तू खड़ा होता है तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं,
लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती है। गलती तेरी नहीं है। जिस दिन पहली बार तूने जाति या धर्म का नाम लेकर नारा लगाने के लिए यह हाथ उठाया था ना, उसी दिन कोई पुलिस ऑफिसर तेरा यह हाथ काट देता ना, तो इस तरह तू पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहा था तूने? महिला पुलिस को मत भेजना, उनका चिकना। साइन कर। ये तो कोरा कागज है। हाँ, इसमें हम लिखेंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह चोर हूँ, खूनी हूँ, बसें जलाई हैं मैंने, दंगे फसाद किए हैं मैंने, एक लड़की को मैंने जिंदा जला दिया, मैं ये सारे जुर्म कबूल करता हूँ। साइन कर। माफ कर दो ना। आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। मुस्ताद सिंह। यस सर। मैं मेहमानों को इज्जत के साथ विदा करता हूँ। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए, हंसिए, हंसिए। चलिए, आप इतने महान नेता हैं, मैं मामूली से पुलिस कमिश्नर, इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था की। अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो दोबारा जरूर पधारिएगा। हंसी है। वीर बहादुर सिंह। अरे वीर बहादुर जी, अरे धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए। अरे प्रणाम प्रणाम, सब कुशल मंगल है ना? आप ही की तरह हम भी बिहार से महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का पांव जमाने के लिए आए हैं। कल से रैली या जुलूस शुरू, कमिश्नर के पास परमिशन लेने आए हैं। आप भी कुछ परमिशन उस के चक्कर में आए थे का? मिल गया? अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम है ना, हम दिला देते हैं। मिल गया। मिल गया ना? अब मिलेगा कैसे नहीं, हम लोग देश के इतना बड़ा नेता है, एगो मामूली कमिश्नर हम लोग को परमिशन नहीं देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? देगा। देगा? देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे हम। हाँ, छठी का दूध। हाँ, छठी का दूध तो क्या बुझ रहे हैं आप जयराम को? अरे ऐसन तैसन कितना कमिश्नर आया, कितना गोय आई जयराम हुए का हुए। ए, तो ठहरो, हम ऐसे गए ऐसे ही आते हैं। जाओ जाओ। जयराम नाम है ना तुम्हारा, आज तुम्हारी सचमुच की जयराम जी की हो जाएगी। कंधे पे हाथ रखिए जी। रख। हंसिए, हंस। चलिए, आप बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं। हम तो बस एक मामूली से पुलिस कमिश्नर जो आपकी सेवा के लिए है, कभी भी आपको छठी का दूध याद आ जाए तो आ जाइएगा। चलिए, जनता आपका इंतजार कर रही है। Ha 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 ha!
मिट्टी का दूध याद आया? याद भी आया और बाहर भी आया। और आपका क्या हुआ महाराज? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर, इसको जरा साफ करना। वन मिनट। ये तो वही है जिसको उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर शूट किया था, लेकिन उसके साथ कौन है? जरा जूम कर उस पर। शर्ट भाई, वो डीसी में आजाद आ रहा है, जल्दी भाग जाइए। बता तुझे एयरपोर्ट किसने भेजा? शंकर सिंघानिया। बढ़िया जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना, और देखिए इसकी खूबसूरती आज तक इतनी भी कम नहीं हुई। मैं मंदिर की नहीं, मंदिर के आसपास की 500 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। ये जमीन हमें पसंद आ गई है, हमें चाहिए। लेकिन ये जमीन मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम हो या शंकर सिंघानिया के नाम हो, दोनों एक ही बात है। और वैसे भी जमीन की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को होती है। मूर्ति हटाओ या मंदिर, ये जमीन हमें चाहिए तो चाहिए। अपनी दलाली के साथ इसकी कीमत हमें बता दें। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? For your knowledge, I'm telling you, India के 10 top richest लोगों में से एक हैं। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह से उनकी पूजा करते हैं। सर लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहाँ कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ 5 ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही
सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब का तरह कौन है। पांडू? अरे नहीं नहीं, पांडू तो गांव गया हुआ है, राजू ने काटी होगी। तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है, और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है, हवा है टायर में, पेट्रोल है। ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है, 20-50 जो भी मिल जाए। और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है, तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्टर या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है, और समाज की हिफाजत के लिए हमें, जवान तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम, कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था, लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। हमें यह सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है, ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें। और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन डालने से नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो, तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे टफोस? पापा का नाम लेने से पहले फ्रांसिस को गोली क्यों नहीं मार दी? सुबह होने से पहले मैं मारूंगा उसे, मेरे हाथों से मरेगा वो। संजय, नहीं नहीं पापा, उस नमक हराम ने आपका नाम लिया कैसे? अरे बेटे, छोटे लोग बड़े लोगों के नाम अक्सर लिया करते हैं। डोंट गेट अपसेट, सब कुछ समझ जाएगा। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को साथ लेकर फार्म हाउस चले जाओ। बट पापा, कम ऑन, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। माधव। यस सर। मेरे बेटे का ख्याल रखना, नई उम्र का खून है, बहुत जल्द उगल जाता है, संभालना उसे। ओके सर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, तब तक आजाद का जोश भी ठंडा हो जाएगा। गलत, जिसकी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, आजाद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कानून, ये हथकड़ी, अदालत, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की। आजाद की नजर में मेरा बेटा संजय नहीं आना चाहिए, इसलिए उससे बचने का नहीं बल्कि सामना करने का वक्त आ गया है। तुम एक काम करो, आसपास की बस्तियों में ऐलान कर दो कि कल सुबह हम अनाज और कपड़े बांटने वाले हैं, और जैसे ही ये भीड़ जमा होकर हमारे घर के सामने आ जाए, अपने 40-50 लोग हथियार के साथ उनमें शामिल कर दो, और आजाद जैसे ही मुझे गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश करे,
उसे वहीं खत्म कर दो। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, ऐसा लगना चाहिए जैसे गुस्से में आकर भीड़ ने उसे खत्म किया है। उसके बाद कानून बेबस, क्योंकि भीड़ की ना कोई सूरत होती है ना कोई नाम। ठीक से समझ गए ना तुम लोग? भीड़ में शरीफ बनकर खड़े रहना। अगर डीसीपी आजाद सिंघानिया साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो उस पर अटैक कर देना, समझ गए? साहब, डीसीपी साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उसे। आओ आओ आजाद। नमस्कार। हमें मालूम था तुम आओगे, मगर इतनी जल्दी आओगे ये मालूम नहीं। मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आजाद, थोड़ा कॉपरेट करो, मेरा साथ दो, ऐश करो। तू कॉपरेट कर और मेरे साथ चल, तुझे सरकारी दामाद बनाकर अच्छी तरह से खातिर करूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तुम्हारे सीनियर्स मेरे सामने सर झुकाते हैं। और शायद तुझे ये पता नहीं कि राजशेखर आजाद सिर्फ तिरंगे के सामने सर झुकाता है। देखो आजाद, इस तरह की बातें नए नए रंगरूटों को शोभा देती हैं जिन्होंने अभी अभी वर्दी पहनी। तुम तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, बहुत सालों से काम कर रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दोस्ती कर लो मुझसे। शिकारी अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करता। शंकर सिंघानिया का शिकार करोगे, अपनी मौत को बुलाओगे तुम। ए, चिल्ला मत, नहीं तो अभी का अभी सारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर। यस सर। शिकार करने का बहुत शौक है ना तुम्हें जी से भी? रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। कोई मुझे उंगली भी दिखाए तो मेरे चाहने वाले लोग उसे नहीं छोड़ते। तुमने तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई है, सोचो ये लोग तुम्हारा क्या हशर करेंगे। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है, चुपचाप ये हथकड़ी खोल दो, लोगों के सामने मुझसे माफी मांग लो, मैं इन्हें समझा बुझाकर शांत कर दूंगा और फिर तुम घर जाने के काबिल रह जाओगे। चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे। ये हमारे अन्नदाता है। हमारी लाश के ऊपर से गुजरने के बाद इन्हें ले जा सकते हो। देवता समान आदमी के हाथ में हथकड़ी लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम लाशें बिछा देंगे, समझे? देखो, तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कानून को अपना काम करने दो, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। हाथ में बंदूक है तो तुरंत घास समझ रहे हो? हिम्मत है तो चला गोली। हाँ हाँ, चला गोली। सिंघानिया साहब के लिए हम हंसते हंसते जान दे देंगे, चला गोली। अरे ऐसे गोली चला दी इन पे, मेरे पांच आदमी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका जवाब देना होगा तुम्हें। जवाब मैं नहीं, ये लोग खुद देंगे। ऐसे क्या देख रहा है?
मैंने भी तेरा ही टेक्निक इस्तेमाल किया। तूने इन शरीफ लोगों की भीड़ में अपने 50 गुंडे खड़े कर दिए शरीफ बनाकर। मैंने 5 पुलिस के आदमियों को इसी भीड़ में खड़ा कर दिया गुंडा बनाकर। इससे कहते हैं जैसा काल वैसा ही तमाचा, समझे? चल। नमस्कार। हाँ तो डीसीपी आजाद साहब, शंकर सिंघानिया जी आपको आतंकवादी लगते हैं? आपको गांधीवादी लगते हैं? देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जवाब जानते हुए सवाल करना भी सवाल नहीं होता। क्या आप अदालत में ये साबित कर सकते हैं कि शंकर सिंघानिया का किसी भी तरह का रिश्ता टेररिस्ट वसीम खान के साथ है? हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि शंकर सिंघानिया का हर तरह का रिश्ता वसीम खान के साथ है। अच्छा, इसके लिए कितने गवाह खरीदे आपने? गवाह खरीदने और बेचने का धंधा आप जैसे कानून के दलाल करते हैं। जबान संभाल के जवाब दीजिए डीसीपी साहब। दिमाग ठिकाने रख कर सवाल कीजिए वकील साहब। ऑर्डर 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 ऑर्डर। वकील साहब, आप सिर्फ इस केस से जुड़े हुए सवाल ही पूछिए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इनके गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस, प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा गवाह कुछ ही देर में अदालत में हाजिर होगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मनोज, रहीम, बल्लू, विवेक कहाँ गए? सर, मैंने उनको बहुत ढूंढा, वहां पर कोई नहीं है। क्या योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, इंतजार का कोई मतलब ही नहीं। डीसीपी आजाद कोई गवाह पेश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। मिस्टर आजाद, आपको क्या कहना है? आई एम सॉरी योर ऑनर। अदालत शंकर सिंघानिया को बाइज्जत रिहा करती और पुलिस डिपार्टमेंट को वार्न करती है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, गवाह ना हो, किसी भी शरीफ शहरी को अदालत में लाकर परेशान ना किया जाए। भाई बहुत अच्छे तरीके से। अरे मुबारक हो सिंघानिया साहब। क्यों डीसीपी आजाद, बहुत गुस्सा आ रहा है? जो लोग जोश में आकर होश खो देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वसीम खान के साथ तुम मेरा रिश्ता साबित करना चाहते थे ना? सीना ठोक कर कह रहा हूं, उसके साथ मेरा रिश्ता है। लेकिन तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर सकता। तुम्हारा गवाह अदालत नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया, और अगर वो पहुंच भी जाता तो क्या कर लेता? इस जज को मैं खरीद लेता। इस देश में सब कुछ बिकता है, बस सिर्फ कीमत सही होनी चाहिए। मुझसे दोस्ती करोगे तो उसकी पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, और अगर दुश्मनी करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत लेनी है या चुकानी है, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। Ah!
गद्दे में बिके हो तुम लोग। क्या कीमत लगाई है तुम लोगों ने मेरे भरोसे की? मैं बताता हूँ सर, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ बच्चों को? वो शंकर सिंघानिया के बेटे ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। कह रहा था कि उसका कोई आदमी तुम लोगों के पास कैद है, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो वो मेरे कत्ते में राणा को मार डालेंगे। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, प्लीज उस आदमी को छोड़ दीजिए, प्लीज। नहीं भाभी, हम उसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मनोज छोड़ो उसे। मैं आपके आदमी को लेकर आई हूँ, आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं इसे लेकर आई तो आप मेरे बच्चों को छोड़ देंगे। आप तो मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। ए, छोड़ दो उन्हें। मेरे पापा के खिलाफ गवाही देगा तू? सर, आपके लिए फर्ज जरूरी हो सकता है, लेकिन इनके लिए फर्ज के साथ साथ आप जरूरी हैं, आपका परिवार जरूरी है। सर आप ऐसा मत समझिए कि अगर एक गवाह अदालत नहीं पहुंचा आप जंग हार गए। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जो जंग आपने इस मुल्क के गद्दारों के खिलाफ शुरू की है, कसम परवरदिगार की, उस जंग के अंदर जीत आप ही की होगी सर। और जिस दिन सर आप जीत का सेहरा अपने सर पर बांध कर लौटेंगे, उस दिन सर आपको अपने बच्चों और बीवी की जरूरत का एहसास होगा। क्योंकि जब तक कामयाबी की खुशी बांटने वाला कोई अपना ना हो तो उस कामयाबी की खुशी का मकसद ही क्या है सर? इन लोगों ने आपके बच्चों की जान बचाई है, उसकी में बहुत खुशी है, लेकिन इस खुशी से ज्यादा गम और दुख इस बात का है कि आपको दिया हुआ वादा ये लोग निभा ना सके। इसलिए आज ये सब लोग इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं। हम जैसे लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो उनका रुतबा बढ़ता है और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर गरीबों के लिए भारी पड़ता है, अमीरों के लिए नहीं। एनीवे एंजॉय द पार्टी। तो क्या आजाद को यूं ही छोड़ देंगे? आपको अरेस्ट किया था उसने, आपकी इंसल्ट की थी, इसीलिए उसे एक सबक सिखाना है ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने से पहले 10 बार सोचे। और फिर शेर को जख्मी करके उसी की गुफा में चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो आजाद। बेवकूफ तो तुम हो जो इतना भी नहीं जानते कि सांप के बिल में हाथ वही डालता है जो उसकी जहर का तोड़ जानता हो। तोड़ जोड़ का हिसाब तो मैं तुमसे करूंगा डीसीपी, तेरे शरीर की हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी आने वाली नस्ल तक इस दर्द को महसूस करेगी। मेरे शरीर को छोड़, तो अपने शरीर को आग देने वाले के बारे में सोच। क्या मतलब तुम्हारा? वो देख पापा, पापा!
से तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिक्र मत करो बेटे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पागल हो गए तुम लोग, हटाओ बंदूक। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। पापा, बेटे, for God's sake, tell them to leave him. क्यों? सारी अकड़ निकल गई? छोड़ दो उसे। और सुन, तुझे भी मैं अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि तू एक देशद्रोही है, गद्दार है। और जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया, उस दिन मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, मार दूंगा। सर, वो चारों लड़के कौन थे, किस थाने के थे, बताओ मुझे। सर, वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। तो फिर बात दरअसल ये है सर, कि पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर पर आजाद को भरोसा नहीं रहा है, इसलिए उसने उन चारों लड़कों को अपने साथ रखा है, यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग भी खुद दे रहा है। बस कुछ ही दिनों में उन्हें पुलिस की वर्दी भी बना देगा। साला फ्रांसिस को भी उसने इन्हीं चार लड़कों के कब्जे में रखा था। उस दिन फ्रांसिस के साथ साथ उन चारों लड़कों को भी मार देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। डीसीपी ने तुम लोगों के सर पर हाथ क्या रख दिया? अपने आप को डीसीपी समझने लग गए तुम लोग? मुझ पर रिवॉल्वर रखा तुम लोगों ने? बहुत जोश में थे ना उस दिन तुम लोग? बहुत गर्मी है ना तुम्हारे जिस्म में? अब मैं निकालता हूं तुम लोगों की गर्मी ही। अगर मैंने तेरे डीसीपी आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाया तो मेरा नाम भी संजय। के चमचे खत्म कर दो साले को।
रहीम, 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 ए रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा भाई, तू एकदम ठीक हो जाएगा। सर, I'm sorry sir. नाज तुम पे करे ये जमीन आसमान, दे रहे हम चले, दे चले अपना ताकि जीता रहे। डीसीपी आजाद, पहचाना मुझे? तुमने जंग का ऐलान किया, मैंने शुरुआत कर दी। सुना है तुम्हारे वो चारों लड़के बहुत वफादार हैं और बहुत जल्द तुम उन्हें पुलिस की वर्दी पहनाने वाले हो, है ना? तो मैंने सोचा मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर बहुत जल्द ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। एक का तो प्रमोशन हो गया, बाकी तीनों का भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, पर होनी को कौन टाल सकता है, सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो भी उसके रास्ते में आता है चला जाता है। हम निशाना किसी और को बनाते हैं, पर मरता कोई और है। अच्छा होना बुरा होना सब शंकर के हाथ में। जय भोलेनाथ। सर मैंने ही आपको फोन किया था। आप कौन हैं? जी मैं दीपक शर्मा, मैं इस कॉम्प्लेक्स का ओनर हूँ सर। चलिए चलिए सर। मिस्टर दीपक जी, इससे पहले भी आपको टेररिस्ट से कोई धमकी आई है? नहीं डीसीपी साहब, धमकी तो कभी नहीं आई, पर अभी अभी मैंने एक आदमी को बम के साथ यहाँ से भागते देखा है, टेररिस्ट हो सकता है। आप उसे पहचान सकते हैं? यस सर, उसने आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट और ब्लैक कलर का कैप पहना है। दीपक? यस सर। यही? हाँ सर यही है। आइए आइए सर, आइए सर। बड़ा लवली पैर, आइए। गॉड ब्लेस सर। जी करो जी करो। आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा? अब तक आ जाना चाहिए था। आजाद क्या बात है? सर अब जरा अंदर चलिए। क्या हुआ सर? वो लड़का जो अंदर भाग कर गया ना, वो एक टेररिस्ट है। उसने अपनी जैकेट के अंदर बम्स छुपा के रखे हुए। व्हाट? यस सर। मैं बम स्क्वाड को वालिस करवा देता हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। आर यू श्योर? यस सर। कैरी ऑन। या
संजय, संजय, संजय बेटे, अरे अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संजय, संजय बेटे, सर इस केस को कैसे डील किया जाए? हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। क्रॉस फायरिंग का नोट लगाकर केस को रफादा पकड़ो। सर वो टेररिस्ट तो भाग गया, अब किसी बात का खतरा नहीं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ये सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो उसके रास्ते में आता है जाता है। और फिर हम तो निशाना किसी और का लगाते हैं, मर कोई और जाता है। अच्छा होना बुरा होना इंसान के हाथ में है शंकर सिंघानिया, ऊपर वाले के हाथ में नहीं। और फिर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सिर्फ कानून का ही नहीं बल्कि कानून की कमजोरियों का भी फायदा उठाना जानता है, समझ गए ना? यार प्रताप तुमने तो कमाल कर दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। सर के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं, आज मैं जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। इंजीनियर बनना चाहता था मैं, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने चोरी की और पकड़ा गया। उस दिन अगर मुझे जेल हो गई होती तो मैं भी शातिर क्रिमिनल होता। लेकिन सर ने मुझे समझा, बहुत स्नेह दिया, बहुत मदद की मेरी, और आज मैं एक एमटेक इंजीनियर हूं। आजाद सर मेरे लिए भगवान की तरह है। थैंक्स प्रताप, आज तुमने एक मुजरिम को मारने में मेरी मदद की। शंकर सिंघानिया के बेटे को जो कानूनन सजा मिलनी चाहिए थी वही सजा उसे आज मैंने दी। प्रताप अपना ख्याल रखना। जी सर। अंकल सब ओके है ना? हाँ भाई माहौल ठीक है ना? क्या बात है? प्रताप कहाँ है? क्या चाहिए आपको? तुम कौन हो? मैं इंजीनियर प्रताप सिन्हा का पिता हूँ। तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं है, टेररिस्ट है। क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है। मैं टेररिस्ट है। इंजीनियर बनता है? टेररिस्ट बोर्ड किसके लिए काम करता है? बोर्ड किसके लिए काम करता है? तो इसको छोड़ दीजिए, मेरे बेटे टेररिस्ट नहीं है, ये तो इंजीनियर है। आपको जरूर कोई गलत पता। शहर में कहां कहां ब्लास्ट करने की प्लानिंग है तुम्हारी? पता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं जिसके लिए तू काम करता है। मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। आजाद, शायद तुमने इसे ठीक से पहचाना नहीं। ये वही टेररिस्ट है जो उस दिन अपने जिस्म पर बम बांध कर शादी में आया था और तुम इसका पीछा कर रहे थे। नहीं याद आया? याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है,
ये उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। इस आदमी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला। बहुत तड़पाया मुझे, रुला दिया मुझे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम्हें क्या, इसके माँ बाप, इसके मंगेतर सबको रुलाऊंगा। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे इन सबको। उस दिन शादी में तुमने ये साबित कर दिया था कि ये आदमी टेररिस्ट है। अब ये कबूल करेगा कि तुम इसके दोस्त हो। सिर्फ एक ही चीज तुम दोनों को बचा सकती है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सलाखों के पीछे चले जाओ। एक बार तुम अंदर चले गए तो वसीम खान को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून की कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हो ना तुम। अब उठाओ फायदा, इस्तेमाल करो अपना दिमाग, ले चलो इसे। प्रताप, सर, सर, मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया सर। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, बहुत टॉर्चर किया सर, लेकिन मैंने अपनी जुबान नहीं खोली सर। आप चिंता ना करें सर, मैं आपका नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं सर। नहीं प्रताप, तुम्हें जीना है, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, और इस देश को आपकी जरूरत है सर। नहीं प्रताप, अब बहुत हो गया। मैं अपनी जिद के लिए तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मैं सब कुछ सच बता दूंगा, तुम भी बता देना कि किस तरह से मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। असली मुजरिम मैं हूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता सर, तो आपके हाथों में हथकड़ी कैसे बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरी जान को दांव पर लगाकर आपके दुश्मन आपसे बदला लेना चाहते हैं, तो ये मैं हर किसी नहीं होने दूंगा। मैं आपको हारने नहीं दूंगा सर, आपको जीतना होगा, आपको जीतना होगा सर, आपको जीतना होगा सर। हम तो साथियों। उस लड़के ने खुदकुशी करके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि उसे ढाल बनाकर आजाद को नौकरी से निकलवाऊंगा, उसके बाद वसीम खान को जेल से छुड़वाऊंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अब आजाद घायल शेर की तरह मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, वसीम खान के साथ साथ मुझे भी ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। मगर ये कैसे होगा सर? शंकर सिंघानिया की जिद तुमने देखी नहीं है। मजबूर कर दूंगा सरकार को, पुलिस खुद वसीम खान को लेकर मेरे घर पर आएगी। बस, और कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे। ठीक एक घंटे के अंदर वसीम खान को रिहा करो और हम दोनों का देश से बाहर जाने का इंतजाम करो। अगर तुम्हारी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो ठीक 5 बजे मुंबई शहर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा। शांत हो जाइए प्लीज, सिट डाउन, बैठिए। सर, जब 100 पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए हम 3 टेररिस्ट छोड़ सकते हैं, तो क्या हजारों सिटीजन्स की जान बचाने के लिए हम 1 टेररिस्ट नहीं छोड़ सकते सर? प्लीज। ओके, रिलीज। राइट सर।
किसी को अंदर आने मत देना, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। ओके क्यों आजाद, अब तो पता चल गया ना तुम्हारे अपने लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। अब देखो ना, आज तुम खुद मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे। मान गए ना वसीम खान की ताकत को? गौर से सुनो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना ये मुल्क आजाद रहेगा और ना ये आजाद। अब तू गौर से सुन, ये आजाद रहे ना रहे, लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा। जानता है तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि शंकर सिंघानिया तुझ जैसो का एजेंट है, और आज उसने तेरी रिहाई के लिए सरकार को धमकी देकर खुद साबित कर दिया कि वो देशद्रोही है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। सॉरी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आजाद, ये क्या किया तुमने? इसे मार डाला? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इसे पूछताछ करने के लिए कहा गया था? किसने ऑर्डर दिया तुम्हें इसे मारने के लिए? किसने परमिशन दी तुम्हें? तुम्हें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। नहीं! मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। जब कोई मां की इज्जत लूट रहा हो
तब बेटा बाप से परमिशन लेगा? नहीं, उस हैवान को वही मार डालेगा, और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए माँ और मुल्क एक है। मैं उन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं, और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। आजाद, हम तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हैं, लेकिन शंकर सिंघानिया ने धमकी दी है कि अगर 5 बजे तक वसीम खान को उसके हवाले नहीं किया गया तो वो शहर में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देगा, और BST की किसी एक बस में उसने बॉम्ब रख भी दिया है। मिस्टर मार्गरेट, वक्त अभी हमारे पास है, विल डू समथिंग। आजाद, हम तुम्हारे साथ हैं, लेट्स गो। हेलो सिंघानिया साहब, मैं माउथो बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारा सारा प्लान चौपट हो गया है। आजाद ने वसीम खान का कत्ल कर दिया है, और उसे इस बात का भी पता चल गया है कि हम ही ने BST की किसी बस में बम रखवाया। पता किस बस में बम छुपा कर रखा है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जिस आदमी ने बस में बम लगाया है वो होटल वैली में रूम नंबर 302 में रुका हुआ है। Go and arrest him. Okay, sir. आजाद, एक काम करते हैं, BST की किसी बस में बम है ये अनाउंस करवा देते हैं और सारी बसों को रुकवा देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। अगर पब्लिक को पता चल गया कि बस के अंदर बम है तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन किस बस में बम है ये जानने के लिए बस को रोकना जरूरी है। आखिर हम बस को रोकेंगे कैसे? मैं रोकूंगा। बस वालों ने अचानक स्ट्राइक क्यों कर दी? अरे, एक पुलिस वाले ने बिना बात के एक ड्राइवर को मार दिया, इसलिए। हमारे यूनियन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर, उसने ये तो बता दिया है कि बस में बम उसी ने रखा है, लेकिन उसका नंबर नहीं बता पा रहा है। पर हाँ, इतना जरूर बताया कि बस अंधेरी डिपो में खड़ी थी। 5 बजे का टाइम सेट करके रखा है तुमने, और तुझे ये नहीं मालूम कि कौन सी बस थी वो? पेंट, इसका मतलब है जिस किसी बस में बॉम्ब रखा है ताजा ताजा पेंट हुई है। हेलो, अंधेरी बस डिपो से टाइम कीपर बोल रहा हूँ सर। तुम लोगों ने कल रात किसी बस को पेंट किया था क्या? यस सर। उस बस का नंबर क्या है? 84 लिमिटेड, MH02T96। तो वो बस इस वक्त आपके डेपो में होगी ना? नहीं सर, वो तो कब की निकल चुकी है। क्या क्या आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त वो बस कहाँ होगी? सर, ये बस अंधेरी से मंत्रालय तक जाती है, 9 बजे विले पार्ले, 9:30 सांता क्रूज, 11 बजे वर्ली और 12 बजे मंत्रालय पहुँचती है। लेकिन अभी अभी BST वालों का स्ट्राइक हो गया, तो वो बस वर्ली के आसपास होना चाहिए सर। कीप द बॉम्ब स्क्वाड रेडी। Come on, hurry up! Bus ke andar bomb hai! There's a bomb here! Run! Bhago!
चलो इधर आओ, कम ऑन सर। ये रहा बम। आजाद, तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर हो। तुमने यूं पता लगा लिया कि किस बस में बम छुपा हुआ है, मगर तुम्हें एक खामी है, इंसानों को पहचानने की खामी। मेरे लोगों को तुमने अपने बॉम्ब स्क्वाड के लोग समझा। मेरी बात मानकर अगर वसीम खान को तुमने रिहा कर दिया होता तो यह शहर भी बच जाता, तुम भी बच जाते और लोग भी बच जाते। मगर अब तीर कमान से निकल चुका है, अब तुम अपनी आंखों से देखोगे इस शहर को मैं कैसे शमशान बनाता हूं। ले जाओ इसे।